नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर जानकारी दी है। सीएम सैनी ने बताया कि इस बार गीता महोत्सव 28 नवंबर से शुरू होगा, जिसमें ओडिशा और तंजानिया पार्टनर्स होंगे। सीएम ने कहा कि आज हमारे साथी साथ पूज्य स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी जो हैं और उड़ीसा के सांस्कृतिक मंत्री सूर्यवंशी सूरज जी मौजूद हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है कि हर साल कोई ना कोई देश अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेता है। पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज की इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की इस प्रेस वार्ता में आज हमारे बीच में परमादरणीय गीता मनीषी श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और हमारे ओडिशा के पार्टनर स्टेट अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 में उड़ीसा राज्य के हमारे सांस्कृतिक राज्य मंत्री सूर्यवंशी सूरज जी, हम सब के लिए बड़ा गर्व की बात है कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में एक देश भी शामिल होता है। अब की बार हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया की हाई कमिश्नर एक्सलेंसी अनीशा कफूफी मबेगा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका आज इस प्रेस वार्ता में आ पाए हैं, मैं बहुत बहुत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस अवसर के ऊपर यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से बैठे हैं। मुझे खुशी है कि पहली बार मुझे ध्यान में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हर वर्ष पार्टनर स्टेट और कंट्री वो शामिल होते हैं, परंतु प्रेस में आज रूबरू आप लोगों से पहली बार हमारा जो पार्टनर कंट्री भी है और पार्टनर स्टेट भी है, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया जा रहा है। यह आयोजन लगातार 18 दिन तक चलेगा। वर्ष 2016 से विगत 8 वर्षों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता भी मिली है। लाखों की संख्या में, जैसा बताया भी गया है कि लाखों की संख्या में इस अवसर के ऊपर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, इसको बड़ी एक लोकप्रियता वो मिली है। पिछले वर्ष लगभग ये आंकड़ा 45 से 50 लाख जो लोगों ने हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में 18 दिनों में की है, उनका फुटफॉल रहा है, आए हैं देश विदेश से, उन्होंने यहाँ हिस्सेदारी ली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहकारिता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए
लोगों से विकसित भारत, विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने में सहकारी समितियों से सक्रिय रूप से जुड़ने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि नारायणगढ़ में जल्द ही एक नई अत्याधुनिक सहकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी। भाइयों बहनों, हम हरियाणा प्रदेश में सहकारी आंदोलन को एक नया रूप देने के लिए कृत संकल्प है। के सपने को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की सहकारी समितियों के लिए लगभग 40 पहले की हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा में भी सभी 19 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्रदेश भर में 7 लाख से अधिक किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। हरियाणा राज्य में 11 पैक्स केंद्रों को गोदाम बनाने के लिए चुना गया है। हमने देसी गायों की मिनी डेयरी योजना भी शुरू की है। इसके लिए 3 से 5 देसी गायों को मिनी डेयरी की स्थापना के लिए 50% अनुदान दिया जाता है। हमने प्रदेश में समय पर कर्ज की अदायगी करने वाले के लिए ब्याज राहत योजना के तहत ब्याज में 50% की छूट दी है। अब तक 101 करोड़ रुपए की ब्याज राहत दी जा चुकी है। सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्यों की बेटी की शादी पर कन्यादान के रूप में 1100 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा उनके मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना में 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा अंक लेने वाले बच्चों को 2100 रुपए व 5100 रुपए उनको दिए जाते हैं। मुझे गर्व है कि हैफर्ड को बासमती चावल निर्यात करने के लिए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों से ऑर्डर भी मिल रहे हैं। हैफर्ड ने अब तक लगभग 1 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात भी किया है। बल्लभगढ़ शहर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर करण सिंह के द्वारा बल्लभगढ़ शहर में स्पेशल अभियान चलाया गया, जिसमें सभी दुकानदारों को 2 दिन की हिदायत के बाद तीसरे दिन एक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई जो है वो की गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि अब बल्लभगढ़ शहर को पूरे तरीके से अतिक्रमण मुक्त बनाना है। आज हमारी कार्रवाई का पहला दिन था, तो कार्रवाई ठोस रूप से करी गई, जिसमें हमने जो मेन एरियाज हैं बल्लभगढ़ के, मेन स्ट्रीट से, मेन रोड से, हम सबको कवर किया। आज अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आज का हमारा कवरेज 40% रहा बल्लभगढ़ का। बाकी जो रिमेनिंग है उसको हम लगातार इस वीक करते रहेंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई एनक्रोचमेंट करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ चलान, फाइन और सीलिंग जैसी कार्रवाई को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं आज हमने देखा कि जैसे ही तो दुकानदारों में भय नजर आया, माहौल कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ, सामान हटाने लगे। परंतु होता क्या है कि जब गाड़ी आती है तो सामान हटता है, गाड़ी जाने के बाद फिर से सामान हटता है, उसको किस तरीके से जल्दी। इस बार जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो पिछली स्ट्रेटेजी से थोड़ी डिफरेंट है। इस बार हम थोड़ा सा जो ठोस नीति है उनको लागू करेंगे, जिसमें कि हमारी चलानिंग होगी। देवनगर कॉलोनी को नियमित कराए जाने की मांग को लेकर जेल बाईपास चौक पर 3 दिनों से चल रहे धरना जो है वो खत्म हो गया है। विधायक घनश्याम सर्राफ, नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और 31 मार्च तक
कॉलोनी को नियमित कराए जाने का आश्वासन दिया। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म करने की घोषणा कर दी। उसके बाद विधायक सर्राफ को लोगों ने फूलों की माला पहनाकर भी सम्मानित किया। करते ना तैयार हो ये नोए डिल्ला था के तेरा बैम है आज नोए डिल्ला क्या दोना से आज देवनगर में आके जो कॉलोनी अप्रूव्ड का एक धरना था वो हमने विभाग के साथ मिलके बातचीत की। भाई भवानी प्रताप मेरे साथ थे, एक पार्षद भी था अपने साथ पवन सैनी, तो हम सभी मिलके एक डिमांड वहां पे कागजों की देख रेख की। तो अधिकतर रूप से हमारी कॉलोनियां सारी अप्रूव्ड हो गई हैं और आने वाले समय में जो भी कॉलोनी और बाकी रहेगी उन सबको भी अप्रूव करने का सरकार के माध्यम से काम कराएंगे। का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी बात को आगे तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय विधायक जी और भाई भवानी प्रताप जी जो हमारे नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उन दोनों ने आके हमें आश्वस्त किया, हमें क्या पूरी कॉलोनी को आश्वस्त किया कि 31 मार्च तक का उन्होंने समय दिया है और मैं मानता हूं कि हमारे प्रयासों से, विधायक जी के प्रयासों से हम जरूर सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और जैसा कि अब आपने देख लिया और प्रधान जी भवानी प्रताप सिंह जी और पार्षद सूर्यकांत जी से जान लिया है कि हमारी मेन समस्या जो थी कॉलोनी अप्रूव्ड की थी और इसके साथ साथ 3-4 समस्या जैसे पानी की समस्या थी, गलियों की समस्या पक्का करने की ये समस्या हमारे साथ थी, तो इसके लिए हमने ये 3 दिवसीय धरना रखा था पहले, फिर हमने एक दिन बढ़ाकर 4 दिन का। देखिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, ये हमारा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी है, संकल्प भी है हमारा, ये हमारी जिम्मेवारी बनती। इसके साथ साथ जितने भी कॉलोनियाँ हमारी शहर के दायरे के अंदर जो थी, जो अन्नपूर्ण अभी तक हैं और इनको अधिकृत करने के लिए, वैध करने के लिए प्रयासरत लंबे समय से माननीय विधायक जी भी रहे हैं, तो 35 ऐसे यूसी हमने तैयार की थी, 35 कॉलोनियाँ कह लें उनको हम, 35 ऐसे नक्शे तैयार करे जो कि जिनके माध्यम से कॉलोनियाँ अप्रूव होने दी। अभी हमने 14 जो यूसी आगे भेजी, इसमें 9 को स्वीकृति लगभग मिल चुकी है, जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। हरियाणा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू के मच्छरों को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है ताकि डेंगू का गंबूजिया फिश है जो एक बहुत ही छोटे साइज की मछली होती है जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा मदर हैचरीज में हमारे सीएससी लेवल पे रखी जाती है और उसके बाद वो वाटर बॉडीज में जितने भी गांव में या पेरी अर्बन एरियाज में जहां जहां परमानेंट वाटर कलेक्शन वाटर बॉडीज हैं उनमें रिलीज की जाती है। बहुत ही इफेक्टिव एंटी लार्वल मेजर्स है क्योंकि ये मछली जो है एक बार छोड़ने के बाद बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है और बड़ी संख्या में लार्वा को एक फिश खा सकती है, तो ये एंटी लार्वल मेजर के। प्रदेश में पहले की सभ्यता से जहां शादी विवाह की अलग अलग तरीके से रस्में निभाई जाती थी, ऐसे में भवानी खेड़ा के पुर गांव में बेटियों के विवाह से पहले गांव में घुड़चड़ी निकालकर लड़की पिता ने क्षेत्र में अनोखी पहल की शुरुआत की है। लड़की के पिता ने और अपने दोनों लड़कियों की घुड़चड़ी निकालकर लड़की के माता पिता ने लड़का लड़की एक समान का संदेश भी दिया है और परिजनों ने नाच गाने पर नृत्य कर खुशी मनाई। वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक पिता ने एक अनोखी पहल की है। आपको बता दें कि एक पिता ने अपनी दोनों बेटियों की घुड़चड़ी कराई। दरअसल आप देखते होंगे भारत में आमतौर पर यह होता है कि जो लड़के होते हैं वो घुड़चड़ी करते हैं, लेकिन इस पिता ने एक अनोखी पहल करके एक समाज को संदेश देने का काम किया है और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की घुड़चड़ी कराई और इसके साथ ही साथ शादी विवाह में नृत्य करते हुए सभी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ उन दोनों लड़कियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी घुड़चड़ी उनके खुद के पिता ने कराई।
लड़कियों का पिताजी हूँ। आज हमें गांव में बांध गुड चढ़ी करवाई लड़कियों की, पूरे गांव में हमें लड़की लड़कियों में कोई फर्क नहीं, मैंने लड़कों की तरह पाला अपनी बेटियों को, और आज पूरे गांव में गुड़ चढ़ी करवा कर ये संदेश दिया है कि लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं। हमारे मैं लड़कियों का ताऊ हूँ और हमने लड़कियों का आज बांध दिया है और बांध हमने घोड़ियों पर दिया है। हम समाज में एक संदेश देना चाहते हैं, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और इसमें लड़की लड़के के समान समझकर हमने इनकी परवरिश की थी और हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। जी, हमने एक समाज में एक नया संदेश दिया है कि बेटियों को भी ऊपर लेके जाओ, नहीं कि बेटों को, पहले बेटों को लेके जाते थे, आज हम लोगों ने बांध में घोड़ियों का और डीजे से पूरे गांव में लड़कियों का बांध निकाला है, तो गांव में इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट जाएगा और आगे भी इस तरह के लोग काम करेंगे। लड़की की बुआ हूँ, बड़े खुशी के प्रेम के साथ मेरे भाई ने बनवारा दिया है, बांधना करा कर गामा में बांधा दिया है, बहुत आपके घोड़ी के ऊपर दिया है, पूरा गांव में खुशी के साथ में दिया है, नाच गान तो दिया है, डीजे तो दिया है, लड़की लड़का और एक समान समझ के दिया है, एक भाई मारी बेटी नहीं मारा बेटा है। भिवानी पुलिस ने बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ निजी बैंकों के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये एजेंट लोगों को निजी बैंक में खाता खुलवाने के लिए कहते थे और खाता खुलने के बाद साइबर क्राइम में इस्तेमाल करने के लिए उसे बेच देते थे। इसे लेकर साइबर पुलिस को शिकायत भी मिली थी। आपको बता दें कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, ऐसी शिकायत जो है साइबर पुलिस को मिली थी। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हो गया। डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि आरोपी देश के अलग अलग राज्यों में 58 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। को 18/11/24 को शिकायत दिनेश पुत्र धर्मपाल आरोपलुआ से प्राप्त हुई थी, भी उसके साथ बैंक फ्रॉड हो गया है, तो उस पर हमने दो रौनक पुत्र सुंदर खरका है, एक शेखर उर्फ धोनी पुत्र धर्मवीर पालुआस का है, इनको हमने उस शिकायत के ऊपर इनको हमने यहाँ भिवानी से गिरफ्तार किया था। स्थानीय लघु जिला सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद जयप्रकाश ने की। इस मौके पर जिला उपायुक्त अनीश यादव और नगर निगम आयुक्त नीरज कुमार उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि जिले में आयुष्मान और चिरायु योजना के 11,35,759 लाभार्थी, जिनमें से 97,05,885 पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें से 17,08,204 लोग 325 करोड़ रुपए का चिकित्सा लाभ प्राप्त कर चुके हैं। जिले में 63 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करवाए जाने हैं, जिनमें से 42 का कार्य पूरा हो चुका है और 9 प्लांट निर्माणाधीन हैं। देखिए, ये हम निगरानी समिति हमेशा ही, ये बात ठीक है कि कई बार इसकी मीटिंग लेट हो जाती है, वैसे 3 महीने के बाद इसमें मीटिंग हर एमपी करता है, करते भी हैं। इसमें इश्यूज थे, जैसे किसान आज बड़ी दिक्कत में है कि सरकार के पास किसान को डीएपी मुहैया कराने के लिए कोई खाद ही नहीं है, खाद की बहुत दिक्कत है, और आपने देखा है कि पहली बार बहुत लंबे अरसे के बाद मैं देख रहा हूं के प्रदेश के बताया है कि इस डकैती के मामले बताया है कि इस डकैती के मामले को सुलझाने के लिए एसपी ने 5 टीमों का गठन किया था। ये सभी टीमें बदमाशों को पकड़ने के लिए पिछले 10 दिनों से अलग अलग जगहों पर दबिश भी दे रही थी। आप लोगों को पता होगा 11 नवंबर 2024 को बावड़ में जो नूनकरण गेट के पास कोमल ज्वेलर्स की दुकान है उस पर कुछ
उनका कुछ बदमाशों ने दुकान के अंदर घुस के और फायरिंग करके कुछ जेवरात और पैसे और इस दौरान उनकी फायरिंग में एक जो ज्वेलर्स का लड़का था हरेंद्र वो भी घायल हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत एसपी साबरेवाड़ी श्री गुरुराज पुरोहित जी भी स्वयं भी तुरंत मौके पर पहुंचे थे और सभी सीआईए टीम भी पहुंची थी और उसी दौरान एसपी साहब ने तुरंत टीमों का गठन करके और दिशा निर्देश दिए थे कि जल्दी जल्दी इस मुकदमे को ट्रेस किया जाए। करीबन 5 टीमें एसपी साहब द्वारा गठित की गई थी जिसमें सीआईए रेवाड़ी, सीआईए धारवेड़ा, सीआईए कोसड़ी, असद चौबावड़ और जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था। हिसार के नागरिक अस्पताल में 4 महीने से आंखों के ऑपरेशन बंद हैं। नेत्र चिकित्सकों की कमी की वजह से मरीज बिना इलाज के परेशान हैं। हालात ये हैं कि बीते 4 महीने से एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने जिस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय को नेत्र सर्जन नियुक्त किया था उनकी डिग्री पूरी न होने के कारण उन्हें सर्जरी करने से रोक दिया गया है। नागरिक अस्पताल के नेत्र विभाग में इन दिनों एक भी सर्जन मौजूद नहीं है। तो हिसार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नागरिक अस्पताल की, जहां पर डॉक्टरों की कमी जो है वो देखने को मिली है। और दरअसल आपको बता दें कि एक सर्जन को नियुक्त भी किया गया था लेकिन उनके जो कागजात थे वो पूरे नहीं थे जिसके चलते उनको हटा दिया गया। अब आलम यह है कि इस हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं है जिसके कारण आपको बता दें कि यहां पर जो आने वाले मरीज हैं उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 महीनों से आंखों के ऑपरेशन जो है वो बंद है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर इलाज जो है वो नहीं मिल पा रहा मरीजों को जिससे मरीज भी परेशान नजर आ रहे हैं। तो नागरिक अस्पताल का ये हाल आपको बता रहे हैं जो कि हिसार में स्थित है। हिसार से तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो मरीज हैं उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के द्वारा कार्य शुरू किए जाते हैं अगर वो सुचारू रूप से ना चलें तो वाकई में समस्या जो है वो और बड़ी हो जाती है। और अगर इस अस्पताल की मैं बात करूं तो इस अस्पताल में 4 महीने से आंखों के जो ऑपरेशन है वो बंद है। आंखों की समस्या से जूझ रहे वो लोग जिन्हें कम पैसों में इलाज की जरूरत है उनको तमाम परेशानियों का सामना जो है वो इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों की कमी होने की वजह से झेलनी पड़ रही है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें एक सर्जन को नियुक्त किया भी गया था लेकिन उनके कागज पूरे नहीं थे जिसके कारण उनको हटा दिया गया। हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरमैन पर्सन एवं एडवोकेट सोनिया अग्रवाल ने केंद्रीय कारागार कुरुक्षेत्र का निरीक्षण करते हुए यहां पर महिला बंदियों व अन्य हवालातियों को जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं उसका जायजा लिया। और यहां पहुंचने पर कार्यकारी जेल अधीक्षक अमित कुमार ने वाइस चेयरपर्सन को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिवादन किया। आज जो है मैंने जिला कुरुक्षेत्र की जेल विजिट की जिसमें 31 महिलाएं मुझे अंदर मिली जिसमें से 5 जो है कन्विक्टेड हैं, बाकी सभी अंडर ट्रायल हैं। तो सभी से पूछा गया किस तरह की परिस्थितियां अंदर हैं जहां वो सर्वाइव कर रही हैं, उनको खाने की व्यवस्था है या नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।